हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज राम नाम की चर्चा फिर से चारों ओर होने लगी है, जबकि अभी लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजनी बाकी है। लेकिन अभी से ही विपक्षी दल के नेता राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, तो कोई राम भक्तों की आस्था पर। बीजेपी को लगता है कि विपक्षी दल जितना राम के नाम को उछालेंगे चुनाव में, उनको उतना ही फायदा होगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि चुनावी वैतरणी में राम किसके काम आते हैं। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। और अभी तो हजार दो हजार की बचा रहे हैं। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए। राम नाम हर किसी की जुबान पर है, फर्क इरादों का है। लोकसभा चुनाव करीब हैं, तो जुबान भी सियासी हो चली है। सियासत राम नाम के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। मुद्दा आम लोगों के दिल के करीब है, इसलिए उसी हिसाब से बनाया भी जा रहा है। अभी पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। राम लला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी हमें भावुक कर जाती है। पहले जो कल्पना से भी परे था, अब वो हकीकत बन चुका है। विपक्ष पे राम नाम को लेकर बेचैनी है, ये दिखने लगा है। बीजेपी की काट ढूंढने के चक्कर में राम नाम को महंगाई और बेरोजगारी से जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। इंडिया गठबंधन के दक्षिण के नेता राम नाम पर अलग लकीर खींच रहे हैं। डीएम के सांसद ए राजा ने राम और रामायण दोनों पर सवाल उठाए। அப்ப நாலு பேரா சந்த மன்னம்பி பிறந்து ஒரு குறவரை ஒரு வேட்டுவரை இன்னொரு சகோதரனாக ஒரு குரங்க இன்னொரு சகோதரனாக இன்னொரு குரங்கை ஆறாவது சகோதரனாக ஏற்றுக்கொண்ட ராமாயணத்துக்கு பேர் தான் மனித நல்ல இணக்கம் என்று சொன்னால் நீ சொல்ற ஜெய் ஸ்ரீராம் சி ए राजा का बयान अभी आया है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन और भगवान राम पर पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं, जिसे उत्तर भारत में बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बनाती रही है। सबसे चौंकाने वाला बयान शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से आया। लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ रहे, वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने, पर अब टीएमसी में है। सियासत के चक्कर में उन्होंने राम मंदिर के प्रति लोगों की आस्था पर सवाल उठा दिया। 5,000, 10,000, 20,000 और अभी तो 1,000-2,000 की लोग जा रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य जहां नहीं पहुंचे, मंदिर पूरा नहीं है, उस पे आप अपनी पब्लिसिटी के लिए इतना ड्रामा कर दिया आपने वहां पे। सियासत के चक्कर में शत्रुघ्न सिन्हा शायद भूल गए कि उनके तो नाम में ही राम की पहचान है। सियासत में बयान की टाइमिंग अहम होती है, इसे बीजेपी खूब समझती है और इसलिए अब जनता को समझा रही है कि देखो विपक्ष का असली चेहरा क्या है। इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि चुनाव जितना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे? हमला वो भी खुलकर कर रहे हैं जो कल तक कांग्रेस में थे, और राम नाम लेते हुए आज वो बीजेपी के हो गए हैं। राम मंदिर बनाने का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का इनविटेशन मिला, सब लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसका आदर करेंगे, और आ गया।
प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने वाले थे, इसलिए ही ये ऐसा नहीं कहा कि हम बाद में जाएंगे, उन्होंने कहा कि हम ये इन्विटेशन डिक्लाइन करते हैं। उसका मतलब है कि जनभावना क्या है आज के दिन में, वो जनभावनाओं का ख्याल आज के जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं उनको ये ख्याल नहीं है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और उसके बाद ये मुद्दा बड़ा होना तय था। विपक्ष के सामने धर्म संकट था, शामिल हो या ना हो। काफी मंथन के बाद शामिल ना होने का फैसला किया और इसे बीजेपी का इवेंट साबित करने की कोशिश की, पर ये दांव कमजोर ही रहा। फायदा बीजेपी को होना था और हुआ भी। मुश्किल ये हो रही है कि विपक्ष इसकी काट ढूंढने के चक्कर में हमले के मौके दे रही है, जो जनता के दरबार में नुकसान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।